हमारे देश में एक बड़ा मशहूर गाना है कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। आजकल ये गाना मनीष सिसोदिया के ऊपर एकदम फिट बैठता है। मनीष सिसोदिया कर्ण की तरह अरविंद केजरीवाल की दोस्ती का फर्ज निभाते रहे और अरविंद केजरीवाल ने अंदर ही अंदर उनकी जड़ें काट दी। अरविंद केजरीवाल ने बड़ी ही चालाकी से अपने पास दिल्ली सरकार का कोई विभाग ही नहीं रखा और सारी मलाईदार विभाग मनीष सिसोदिया को दे दिए और अपने और पार्टी फायदे के अनुसार मनीष सिसोदिया को कथित तौर से गलत और गैर कानूनी काम करने के लिए मौखिक आदेश देते रहे और बेचारे मनीष चाचा उन आदेशों को मानते हुए लिखित आदेश देते रहे और पहुंच गए जेल की चार दीवारी में। जिस दिन मनीष सिसोदिया को जेल हुई उस दिन और उसके अगले ही दिन तक अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और अपनी सहानुभूति दिखाते नजर आए। उसके बाद केजरीवाल साहब ने सिसोदिया को छोड़ दिया उनके हाल पर और पहुंच गए कर्नाटक और छत्तीसगढ़ पार्टी पक्ष में प्रचार प्रसार करने और पार्टी के राजनीतिक विस्तार में छोड़कर अपने कथित मित्र को जेल में उनके हाल पर छोड़ दिया। इस साल होने वाले सभी चुनावी राज्यों पर केजरीवाल की नजर है। केजरीवाल और भगवंत मान सभी राज्यों का दौरा करने में लगे हुए हैं। कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के बाद केजरीवाल मध्य प्रदेश में भी दौरा करने वाले हैं। मतलब केजरीवाल के लिए राजनीति ही सब कुछ है। उनके मित्र जेल में रहें या उनके साथ कुछ भी हो, केजरीवाल राजनीतिक फायदे के लिए सब कुछ भूल कर तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए ये कुछ नया नहीं है। अगर केजरीवाल का इतिहास पर गौर करें तो देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए किसी को भी मोहरा बनाने से वो नहीं चूके। बुजुर्ग अन्ना हजारे हो, प्रशांत भूषण हो, कुमार विश्वास हो या फिर योगेंद्र यादव, सबका केजरीवाल ने भरपूर प्रयोग और आम से जैसे गुठली चूस कर फेंकते हैं ऐसे ही इन लोगों को भी पार्टी से निकाल बाहर किया और इतना मजबूर भी कर दिया कि वो खुद ही पार्टी छोड़कर चले गए। अब वही हाल मनीष सिसोदिया का भी हो गया है कि अब तुम्हारा काम खत्म, अब तुम कैसे हो हमें कोई लेना देना ही नहीं। केजरीवाल साहब का भी यही हाल है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। साथी नेता और मित्र कोई भी फंसे, पार्टी का विस्तार और इलेक्शन सभा चालू रहनी चाहिए। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।